दिल्ली में यमुना का जल स्तर गिरने लगा है, लेकिन इसको लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। अब दिल्ली सरकार में बड़बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज पर तंज कसते हुए दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने उनसे सवाल पूछा, साथ ही ये कहा कि उम्मीद है कि जवाब मिलेगा। दिल्ली बीजेपी नेता और पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना ने सौरभ भारद्वाज से पूछा है कि एक बात बता दो, आशा करता हूँ कि मुझे जवाब जरूर मिलेगा। साल 2013 और 2018 में आईटीओ के बैराज खुले थे या बंद थे? मंत्री जी, तब तो पानी भी 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, इस बार तो 3.5 लाख क्यूसेक पानी ही छोड़ा गया है। सवाल यही है, आईटीओ बैराज तब भी बंद था, तब बाढ़ नहीं आई, अब कैसे आ गई? उन्होंने एक सवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछा, आप ये बताओ कि 5 साल में आपको केंद्र की ओर से यमुना की सफाई के लिए जो 6,800 करोड़ रुपए मिले वो कहाँ गए? दिल्ली में यमुना का जल स्तर गिरने लगा है, लेकिन इसको लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। अब दिल्ली सरकार में बड़बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज पर तंज कसते हुए दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने उनसे सवाल पूछा, साथ ही ये कहा कि उम्मीद है कि जवाब मिलेगा। दिल्ली बीजेपी नेता और पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना ने सौरभ भारद्वाज से पूछा है कि एक बात बता दो, आशा करता हूँ कि मुझे जवाब जरूर मिलेगा। साल 2013 और 2018 में आईटीओ के बैराज खुले थे या बंद थे? मंत्री जी, तब तो पानी भी 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, इस बार तो 3.5 लाख क्यूसेक पानी ही छोड़ा गया है। सवाल यही है, आईटीओ बैराज तब भी बंद था, तब बाढ़ नहीं आई, अब कैसे आ गई? उन्होंने एक सवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछा, आप ये बताओ कि 5 साल में आपको केंद्र की ओर से यमुना की सफाई के लिए जो 6,800 करोड़ रुपए मिले वो कहाँ गए?